चलती हुई एकदम से लिफ्ट रुक गई है, पूरी ब्लैकआउट हो गई और ये बीच से खुल चुकी है। BGX कमरे से बाहर निकला और मेरा पैर चाटने लग गया। ये छोड़ दे भाई, ए भाई, ओए ओए, गुड मॉर्निंग ओलू। इतने दिनों बाद बच्चे को पढ़ते हुए देख के मजा ही आ गया। आपकी भी क्लास है? हाँ, मेरी भी चल रही है अंदर। Hello, so guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs. I hope you all are good and happy. Good morning to you all. अरे बाल कैसे सो रखे यार? हमारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, मेरी तो क्लास अंदर चल रही है। ये भाई चेले को क्या हो गया? मेरे पीछे घूमे जा रहे चेला। गोदी आजा 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 मेरे शेर। बोलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग। निकला वाली अगी तो क्या शुरू हो गया? हम दोनों ठीक है दीदी, जा रहा हूँ। गुस्सा काहे हो रही हो? चाइल्ड अंडरटेकर, आपको मैंने आवाज दी थी, आप आए तो नहीं। वो देखो, वो 02 हो गया, 2 नीचे कर गया पीछे। यार कितनी ओस जमी हुई है, देखो। तेरे को क्या हुआ है तू बता दे पहले, तेरे को कोई दिक्कत है? दादी सो रही थी। नहीं नहीं, दादी माँ उठ गई है, हो गया टाइम। यार दादी माँ ने मेरे को 2 बार उठा दिया, पूछू क्यों? नहीं, खराटे लेते हैं उन्होंने, इतने जोर से खराटे लिए ना, मेरी दोबारा नींद टूट गई। भाई साहब मेरी टाइमिंग थी, मैं जैसे ही कमरे में घुसा ना, मैम अटेंडेंस ले रही थी और मेरा नाम लिया, लेकिन एब्सेंट तब भी लगा दिया। मैम मेरे पास माइक्रोफोन है नहीं। यस बॉस, भूख लगी मुझे कुछ नहीं। दीदी ने कहा कि ब्रश करेंगे, ब्रश कर रही है। ब्रश कर लिया? हाँ मैंने कर लिया। मैंने भी कर लिया, मैंने मुंह भी धो लिया, लेकिन इन्होंने खाना नहीं दिया। देख भाग रही भाग रही भाग रही है, भाग रही, पकड़ पकड़। खाना दोगी? खाना दोगी? नहीं दोगी? खाना दोगी? बता, पंगे ले रही थी अभी सुबह सुबह, पंगे कर दिए। मारोगी क्यों भाई? प्रेस को ऊपर आना है। क्या है यही करता है, यहाँ से रन अप लेगा और कूद ही मारेगा। हाँ जी अम्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सब राज्य खुश है? हुआ ओलू आजा। अरे डरते क्यों हो दीदी, कुछ कहता थोड़ी ना ही है। अरे कुछ नहीं होता, देखो खरगोश। ओलिव चलो, इसकी वजह से हो रहा है। गलती किसी और की लपेटे में हमेशा मैं आऊं। बताओ, एक अच्छा इंसान होने के नाते मैं से बोले को बचाने गया था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपने में कमरे में बैठा हूँ। एमी बाहर रो रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, डांट मेरे को पड़ रही है। उनको लग रहा है मैं एमी को परेशान कर रहा हूँ, एमी को भूख लगी। मैं कितना भद्रा हो चुका हूँ इस मामले में कि सबको लगता है कि मैंने ही एमी को परेशान करना है। मैं कहाँ गिरा पड़ा हूँ? मैं कहाँ गिरा पड़ा हूँ ये बताओ, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं ना उठ के गलती कर दी, मैं सोया रहता ना, सो के भी फायदा नहीं है यार। अगर मैं सोया रहता ना वो बेस्ट ऑप्शन रहता, लेकिन अगर सोता भी ना तो पापा सोने नहीं देते, तो और डांट पड़ती। उठो तो दिक्कत, ना उठो तो दिक्कत, उसके पास जाओ तो दिक्कत, ना जाओ तब भी दिक्कत, क्योंकि चिल्लाना तो उसने तब भी है। अच्छा मैंने टाइमली ज्वाइन कर लिया, पीरियड ऑन हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है, और टीचर ने बोल दिया प्रमोट हो जाओ वरना क्लास से निकाल दूंगी। वो यार पैनलिस्ट बना के ना कैमरा ऑन करवा दिया, हम बच्चे इतनी हालत में होते नहीं जो कैमरा ऑन होके मतलब हेलो बोले। क्या गलती थी जो मेरे को डांट पड़ी है? मेरे से बात मत करियो तू, तेरे चक्कर में हमेशा मैं डांट खाऊं। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं नहीं मैं अपने कमरे में था, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला है? उसको भूख लग रही है। किसको? एमी को, वो तब से चिल्ला रही है। अच्छा इसलिए पापा पापा? हाँ तो पापा क्या कर रहे हैं? मेरे को भी नहीं पता, पहले वंजबिया भी चल रहा था, वंजबिया ने भौनी थी तो पापा पे आ गई। अच्छा उसने देख लिया एमी, आपने कुछ अच्छा काम किया है जिंदगी में, ये वरना जैम खा जाता। अब उसको पता चल गया ना, वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश ही करेंगे जनाब जी। हम महारानी साहिबा कुछ नहीं कर सकते, महारानी साहिबा कैसा लग रहा मेरे को डांट पड़वा के बिना मतलब की? मैंने पढ़ाया था वो काफी नहीं है। फ्राइडे की स्पेलिंग तो FOR होती है ना एमी, और थर्सडे की स्पेलिंग THUN, नहीं नहीं S, नहीं नहीं D, नहीं नहीं H। ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ गया समझ? नहीं हाँ आ गया आ गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, उनकी नंबर्स लिखना थोड़ा लगाने बस। क्या दिन थे जब मेरे को पापा पढ़ाया करते थे, क्या दिन है अब एमी को पापा पढ़ाते हैं? सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार आ गए। हाँ क्या ना, वो तो पक्का तो
ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप बोलती हो आपको आ गया एकदम कॉन्फिडेंस का, लेकिन आपको आता नहीं। गुरुवार, शुक्र, रा आती है, रा की मात्रा होती है। इसको यहाँ पढ़ने दो, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिचार्ज कराना, तो चक्कर में मेरी पढ़ाई रह जाएगी। फिर पूरे दिन में ना टोंट खाता रहूंगा, पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, जो मेरे को खानी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, चोरों की तरह का बातें करो। मैं बाहर निकला तो मैंने ऐसे थोड़े दुबकी में बोल दिया, चाय ला अंडरटेकर, चाय लाई जा, चाय बड़ा चाय। दीदी हमने चाय की कंपनी खोली थी, अगर ऐसे ऐसे होंगे कर्मचारी तो मैं कंपनी कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा, फिर तो मैं एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाऊंगा। कितना महंगा शब्द बोला भी नहीं आ रहा, एंटरप्रेन्योर, मैं वो भी नहीं बन पाऊंगा। फिर आप 50-50 स्टेक मांगती हो ना, वो भी नहीं मिले, सॉरी 50-50 इक्विटी मांगती हो, हम कैसे शार्क टैंक में जाएंगे। आजकल शार्क टैंक इंडिया बड़ा मैं देखता हूँ, पापा और मैं पहले वाला शार्क टैंक देखते थे, नया वाला ना सिर्फ मैं ही देखता हूँ, मजा आता है। कैसे जाएंगे हम शार्क टैंक इंडिया में अगर हम ऐसे कंपनी नहीं खोल पाए तो, अगर आप ऐसे करती रहोगे, क्या बोलते, चाय बनाने में आधा घंटा लोगी तो, हम मिलते ही वहां 10 मिनट का टाइम है, आधे घंटे चाय बनाने में लग जाएगा तो आप तो ऐसे ही निकाले जाएंगे। आधा घंटा आप ऐसे चाय में करती गए, आपको आधा घंटा लगता है, चाय रख के काम करने लग जाते हो, तभी ये सिम, और सिम पे रखती हो है ना, तभी बनता रहता, मैं इधर उधर काम कुछ नहीं करती, रील देखती रहती, झूठा, रील देखती रहती है। डाइनिंग रूम साफ हो गया सुबह सुबह, साफ साफ साफ, ओ माय गॉड, बहुत साफ है दीदी, बहुत साफ है। आपकी आपकी बातों की तरह चीजें बहुत साफ है, लेकिन चीजें एक्चुअली साफ नहीं है। बड़ा साफ साफ एक्सपीरियंस यू नो, हमारे घर पे यही नौटंकी चलती रहती पूरे टाइम। मेरे को ज्यादा चाय मिलनी चाहिए, मैं बड़ा हूँ, एमी को नहीं मिलनी चाहिए, मेरे को ज्यादा मिलनी चाहिए, मैं बड़ा बच्चा हूँ इस घर का, हमेशा मेरे को ना इतनी सबको इतनी भर भर की चाय मिलेगी, मेरे को कब का भी आधा चाय मिलेगी, क्यों, क्योंकि मैं बच्चा हूँ ना, मैं बड़ा बच्चा हूँ, मैं हाइट में सबसे लंबा हूँ, मेरे को ज्यादा मिलनी चाहिए, खत्म हुई है, मेरे को बाहर जाना, दोस्त को डिस्टर्ब मत कर, ठीक है, बना रही हो, अरे 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 पास्ता बनना है आज तो, और बताओ क्या हाल है, बस बढ़िया, धोखे तो वैसे भी निचोड़ते हैं, पूरी मतलब सॉस वसूल रही है दीदी, पूरी डब्बे को निचोड़ देंगी। ओ पगलेट, दौरा पड़ रहा है, नहीं है मैम, मेरी एक्सरसाइज नहीं कराई जाती अपनी, खूब कर रही है ये, हैं देख लो ये पागल को, जाय 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 जाय, एक बार जो जाए जवानी, वो कैमरा ऑन है इसका, कैमरा ऑन है, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, कैमरा ऑफ है, मजे कर रहे हैं दीदी, यही तो बचपन के मजे होते हैं, तो करने नहीं देती हो, मेरा बचपन खत्म है, हैं जवानी में पैड ऑफ। मैम देख रही हैं यार, मेरे को तो कभी कभी ना टीचर के लिए बुरा लगता है, इतने शोर शराबे वाले बच्चों को क्या झेलती, हम एकदम पोलाइट बच्चे, अभी मैं SSC के पीरियड में इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना मेरे को, मैं सारे आंसर देने में होता हूँ कि हाँ मेरे को ही आंसर देने, क्योंकि मेरे को पता है पता है पता है, और आंसर करेक्ट भी निकल जाते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, टचवर्ड आता तभी निकलते करेक्ट, पढ़ाई करी हमने, ऐसे नहीं करी है। महाराजा को उनकी गद्दी पे बिठा रही हो, राजा साहब गद्दी पे बैठे, ये राजा, ये राजा 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 को ले जा मैं समाज। हाँ मेरे भाई, अरे घर में कितने अनोखे लोग, कुत्ते के घर में बिल्ली घुस गई, वो देखो वो अंडरटेकर की गोदी में छोटा अंडरटेकर वो घुसा हुआ है, या उसके घर में बिल्ली घुसी हुई है, हंस रहा है, हंस रहा है, इसके टीथ देखने, टीथ दिखाऊं, मैंने देखे हैं, उससे ही तो मुझे लगती है, ये देख, ये तो कितना शार्प टीथ है, ये देखो, हाँ इससे ही तो मुझे लगती है, गुलू 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 गुलू। ये बस दिखने में बोला है, ये है नहीं, ये बहुत वो शैतान है, हंस रहा है गुड्डू, काट ले वाले, काट ले काट ले काट ले काट ले, ये नहीं करना, हेलो हेलो नहीं करना, इसका बैग, इसके लिए मम्मा बैग मंगा रही है यार, सही खातिरदारी हो रही, काले करी मंगवा रही हूँ, ये रुआ चढ़ गया यार इन पे, इसमें सांस नहीं आएगी ना, इसमें सांस के लिए छेद बने, कुत्तों के लिए ही बना हुआ है, कुत्ते बिल्लियों के लिए, हाँ तो उसमें एमी भी आ जाएगी, एक और बैग मंगा लो, हमारी हमारी गोदी में आती रहती है, सच्चा बैग भी आ जाएगी, है ना बिल्ली, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी निकल रहे हैं तो कैरी बैग में रहेगा ये, है ना मेरे बच्चे, इन्हें मेरे पीछे, इन्हें पूछो, बाहर जा सकते हैं अभी तो, आज इतने दिनों बाद हेयर केयर कर रहा हूँ, पापा ने कहा कर ले, बाल थोड़े रफ हो रहे हैं, मैंने कहा चलो कर लेते, क्योंकि वंस इन अ वीक की आदत खत्म हो गई थी मेरी इस चीज की, बट ठीक है करना जरूरी है अगर हेल्दी हेयर मेंटेन करने, तो जब से छोटे बाल करने तब से करा ही नहीं था, और ट्रिम भी करूंगा यार, बड़ी अजीब सी लग रही है दाढ़ी, ना के मूंछ की दवाई भी लगा ली है, अब जल्दी से ट्यूशन निकलते हैं, और मेरा टाइम आज का सेम ही है, नहाने में आला सारा था, बट कोई ना, और पूरे क्लीन क्लीन हो चुके हैं, कैसे किश्तों में मैंने जो चलाया मेरे, यार एकदम बहुत ही चॉकलेटी
चॉकलेटी सी स्मेल आ रही है। चॉकलेटी और भाभी का वैक्स का। बड़ा किश्तों में मेरा ट्रिमर चला है, कैसे कर मैंने ट्रिम किया है ना, चार्जिंग पे लगाया हटाया करा लगाया हटाया। लंच करा नहीं तो चलते चलते लंच करते हुए जाएंगे। एक्चुअली अच्छा हमने सब टाइमली कर लिए तो अब टाइमली ट्यूशन पहुंच जाएंगे, डांट नहीं पड़ेगी आज होपफुली। मेरी जेब में है मास्क, आप ज्यादा ना मेरे को ध्यान देता गुल्लू। मेरा तो मास्क की लास्ट टाइम इसने मेरा मास्क ही तोड़ दिया पुंदड़े ने। ये चलती हुई एकदम से लिफ्ट रुक गई है, पूरी ब्लैकआउट हो गई और ये बीच से खुल चुकी है। और मेरे साथ इस समय आमी है। आउट ऑफ सर्विस हो गई और एक दो फ्लोर के बीच में रुकी है, 15 फ्लोर पे रुकी है यार। शिट भाई लिफ्ट में कैसे फंस गई। एकदम चलते चलते हमने कुछ नहीं किया, हम ट्यूशन जा रहे थे यार, रास्ते खेलते एकदम झटका पड़ा। मैंने कहा ये क्या हुआ, 16 बज गई। रुक जा कोई ना घबरा मत। आमी अंदर रहो, एक्चुअली ना हमें चलना ही चाहिए। आजा तू आ पहले। मैं तो फंसा हूँ, मेरे को तो एक्सपीरियंस और मेरे को बच्ची के लिए बहुत था, एकदम से बीच में रुकी ना, तो मैंने सेफ्टी के लिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली और कंटेंट भी मिल गया। बट आप बच गए लेकिन आप बच गए, किस्मत अच्छी थी हमारी। डन विद ट्यूशन, अच्छे से हो गई है। भाई साहब ठंड लग रही है, एक तो हाथों में इतनी डमस भी आ रहा है। अभी एक मिनट नानी जी के यहाँ जा रहा हूँ, जरा उनसे मिलने, देखते हैं डमस कब तक है। उसने कहा आ जाऊंगा मैं भी 6:30 तक। भाई साहब इंसान की दाद देनी पड़ेगी, स्कूटी पे कोई नहीं, चाबी छोड़ के चले गए भैया, जिनकी भी स्कूटी है ऐसी चाबी लगी छोड़ गए, कोई उठा ले स्कूटी कुछ नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ा, स्कूटी पे चाबी लगा के छोड़ गए। नाना जी यही महफूज के साथ, महफूज दो मैं लेके जा रहा हूँ इसको, बाहर जा रहे हो जल्दी ओके जल्दी। आप एक ना बाहर नाना जी लेके जाते, क्योंकि बाहर ना इनसे संभाला जाता है, वो एकदम से नाना जी पता है इसको बाहर ले जाके कैसे हैंडल करना है। मैं एक बार ले गई हूँ, मेरे से होता नहीं बाहर की तरफ या हैंडल बिल्कुल भी। पूछ रहे हो कौन है, कौन आएगा इस समय? चोर उचक्के तो आ नहीं सकते हैं। ठंडे हाथ ले लो थोड़े से। कैसे मम्मा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उसको कह देना अब ये नहीं है कि उसकी मम्मा। अरे मैं कितने लोगों को क्लैरिफिकेशन दूं? नहीं उसने मुझे बोला, मैंने तो तेरे को मैसेज कन्वे करा। मैं कितने लोगों को, इनको लग रहा है मम्मा को सोसाइटी की बन गई है ना, तो इसलिए मैं अब तड़ी में रहूंगा। ये मैं तो मेरे को रहने का शौक ही नहीं इन चीजों का। मैं मम्मा बन गई हमारे लिए प्राउड की मूवमेंट है, बस वो सोसाइटी के लिए बनी ना, मेरे लिए तो मेरी मम्मी है, तो मैं जैसे अभी हूँ मैं वैसे ही रहूंगा ना। क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं तड़ी मारूंगा? तबियत कैसी है ये बताओ। चलो मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे, मैं वॉक कर रही हूँ। ओहो तबियत कैसी है? मेरी तबियत ठीक है बस बढ़िया। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आज एमी धोखा नहीं दे रही, खुद बाय खुद मैट लाई है और वर्कआउट करा रही है। ये अभी वर्कआउट कर रहे जब तक दमस आ रहा है। देखो एज पर ऐप आज रेस्ट डे है, वो हमने पिछला रेस्ट डे हमने 2-3 दिन पहले कर लिया था, बट वो रेस्ट डे पिछले हफ्ते का होगा, तो इस हफ्ते का ये रेस्ट डे है। अब डायरेक्टली नेक्स्ट हफ्ते रेस्ट डे होगा, तो ये आज का दिन रेस्ट डे है, तो कोई ना ले लेते हैं रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो आई करा दो। नहीं नहीं अरे कुछ नहीं कहता, उठा लो आराम से। मैं तो नहीं, दम ही उठा लेगा। आ जा अरे कुछ नहीं कहेगा, पंच मैं नहीं उठा पाऊंगी। अरे कुछ नहीं कहेगा, 5 मिनट्स दे दमस को, दमस दमस। मैं तो दमस से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं तो उठा लेता हूँ भाई। भाई थोड़ा कूद फांदी वाला, इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ियो। जेब में घुसा ले, जेब में घुसा ले, जेब में घुसा ले। ये देख हेलीकॉप्टर हाथ फेर दो, इसकी गर्दन नीचे हाथ फेरेगा ना दोस्ती हो जाएगी। स्टिल खड़े रहो ना, स्टिल खड़े रहो। इतनी लंबी सी आंख में क्या? अरे कुछ नहीं कह रहा। ओए 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 चलो सेट मम्मी का ओ ओलू। ये सोफे में गड्ढा खोद रहा, और अगर ये पापा ने देख लिया ना आपको और मेरे को डांट पड़ेगी बहुत जोर की। बेटा सोफा मत कर यार, तू तेरे को कुछ नहीं कहेगा, दीदी को कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मेरी जान खाएंगे। ना भाई ना, तुम बहुत अच्छा काम करते हो मकसूद भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो। व्लॉग एंड करने मैंने अभी तक डिनर भी नहीं किया, क्योंकि मैं शूट करने में लगा हुआ था रील्स, क्योंकि ना कुछ क्रिएटिविटी के आइडियाज आ गए थे और थोड़ा हम रेगुलर हो रहे हैं रील्स पे। पहले हम बीच में हमने छोड़ दिया था बिल्कुल भी, एकदम इरेगुलर से हो, इरेगुलर नहीं मतलब डाल रोज रहे थे, लेकिन पुराना कंटेंट फ्रेश को शूट नहीं हो रहा था। बोलो गाइस इधर आओ, ये देख लो इसकी नौटंकी देख लो पागल। तो मतलब वही फ्रेश कुछ नहीं जा रहा था, कुछ ओल्ड ड्राफ्ट या कुछ आलस में कर लिया, मतलब एकदम एनर्जी के साथ नहीं हो रहा था। बड़ा बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं रील्स के साथ, व्लॉगिंग के साथ साथ वो भी मैनेज हो रहा है, एंड स्टडीज भी मैनेज हो रही मेनली। एंड आज का व्लॉग भी यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो। साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग आज तो देख लेना। बाय बोल, बाय, कल से मिलते हैं बहुत ही बढ़िया व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। क्यों पिचक दूं? दिल करता है ऐसे ऐसे होता है। हमारा भी दिल करता है क्या? चल अंडरटेकर को झाड़ी में फेंक दूं? मैं घर से हमने फेंका आपको नहीं ना।